बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों के जर्जर भवन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह गंभीर है, जिसको लेकर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि किसी भी दशा में जर्जर भवन में बच्चों की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जर्जर भवनों को चिन्हित करके उसका मरम्मत करा लें और जो बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर है वहां के बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर पढ़ाया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने बताया। देखिए, अभी तो दो दिन पहले जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली है, उस समय में जो चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे, सचिव शिक्षा मैडम भी थी, उस समय में निर्देश हम लोग को मिला है जो कितने भवन कितने साल बन गया है उसका स्थिति का एक आकलन करा करके हम लोग का लिस्ट बनाया जा रहा है। उसके बाद कितने भवन मान लीजिए बिल्कुल अंडर हो गया है उसको लोकल लेवल पर हम लोग अंडर घोषित करते हुए भेज रहे हैं, ताकि उसका भवन का नया बजट आ जाएगा तो फिर उसका निर्माण भी चालू हो जाएगा। इस समय में हम लोग सर्वे चल रहा है इस समय। अब आप उसके साथ साथ ये भी बताने चाहता हूँ, पिछले बार बारिश में जो हम लोग को नुकसान हुआ है 50 लाख रुपया उसको भरपाई के लिए मिला है, जो कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है उसको फिर प्रधान का पैसा अलग करके, जो प्रधान का 14 वित्त राज्य अलग करके हम लोग 110 विद्यालय में मरम्मत के काम चालू कराए। मरम्मत काम तब संभव है, तो थोड़ा बहुत मरम्मत तो हो सकता है, बट मान लीजिए बिल्कुल जर्जर भवन हो गया उसको कोई इलाज नहीं, उसको ध्वस्त करके नया सिरे से बनाना पड़ेगा, ताकि बच्चे का वो उनका जिंदगी का मामला है, इसलिए हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं। उसी टाइप का हम लोग एक समिति बना लिए, ब्लॉक वाइज JEE सबको एक टीम बना करके उसका बिल्डिंग का जो हम लोग का जो फिटनेस यानी जो बिल्डिंग का एक ऑडिट हो रहा है, तो बिल्डिंग यदि फिट नहीं है उसको तो हम लोग अंडर घोषित करते हुए शासन का अवगत कराएंगे बजट के लिए।